हेलो फ्रेंड्स, आज जो सेट लेके आया हूँ वो बूश का सेट है, बूश बैरन डिलक्स। देखिए ये सेट दिखने में बहुत ही सुंदर है और उन लोगों ने बहुत सुंदर करके बनाया था, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम था, जिसका जो ऊपर का जो प्लेट था वो स्टील से बनाया हुआ था। तो इतना साल बाद इसका जो निकलिंग था वो थोड़ा बहुत फेड तो हो जाता है, फेड हो भी गया, तो इसमें अच्छा नहीं लगता है देखने में, लेकिन अगर इसको अच्छा करके आप क्लीन कर लेंगे तो बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इसका जो लुक है वो बहुत ही ओल्ड लुक है और देखने में भी बहुत ही ओल्ड डिज़ाइन है। तो ये मेरे पास आया है, 3-4 दिन हुआ, तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए मैंने रखा है। रिपेयरिंग हो भी गया, लेकिन तब भी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मेन जो रिपेयरिंग था वो हो गया। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, बूश मार्फी कंपनी ने उस टाइम जो सेट बनाता था उन लोगों का सर्किट डायग्राम टोटली अलग था। और एक पिकुलियर बात क्या था, उस सेम मॉडल का सेम सेट अगर आप लेंगे तो देखिएगा उसका जो वायरिंग डायग्राम है वो एक सेम सेट ही है, लेकिन इसका एक सेट का साथ और एक का सेट का वायरिंग डायग्राम नहीं मिलता था। यही बूश का एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए हर मैकेनिक उस टाइम बूश का सेट कोई लेना नहीं चाहता था रिपेयरिंग के लिए, एक नंबर बात। और दो नंबर बात क्या हुआ था, ये सब सेट का जो सर्किट डायग्राम था वो बहुत ही घुमा पेचा के उन लोग बनाता था। तो इसमें क्या होता था, ये सेट का जो बनाने का या ख़राब होने से ठीक करने का जो मेथड था, या वो ओरिजिनल जो अच्छा मैकेनिक्स नहीं होने से वो नहीं सकता था बनाने में, क्योंकि उसको समझने में बहुत टाइम चला जाता था। जी ये सेट कहाँ से, क्या सेक्शन है, क्या कैसे करके बनाया, तो ऐसे ही सोचता था। तो बज रहा है सेट, मैंने ऐसे ऑन किया है, तो ये सेट टोटली बंद था। ठीक है, देखिए इसका जो पार्ट उन्होंने बनाया, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये इसका ऑडियो पार्ट है, मेन ऑडियो। ये देखिए दोनों ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें, 187/88 से उन लोगों ने इसका ऑडियो बनाया था। ये एक्चुअली पॉजिटिव बॉडी सेट है। ज़्यादातर सेट क्या होता था, नेगेटिव बॉडी होता था, मतलब इसका जो चेसिस होता था वो नेगेटिव होता था, लेकिन इन लोगों ने इसका जो ये सेट जो बनाया था वो बुश का ज़्यादातर सेट ही ऐसा है जो उसका जो बॉडी है वो पॉजिटिव बॉडी होता था। तो पॉजिटिव बॉडी सेट में प्रॉब्लम यही होता है, जो उसका उसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता था या उसका जो कॉयल डायग्राम है वो थोड़ा अलग टाइप का होता था। तो उन लोगों ने ये जो सेट बाद में बनाया, इसको बहुत मॉडिफाइड करके इसके बाद ही उन लोगों ने बनाया था, इसलिए क्या हुआ, ये सेट बसता भी अच्छा था, लेकिन ये जब ख़राब होता था तो सोच लीजिए जे उसको बनाने में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल कॉयल उस टाइम मिल जाता था, लेकिन ये कंपनी तो बहुत आगे बंद हो गया, बाद में ये सब नहीं मिलता था। तो उसका जो कॉयल अगर ख़राब हो गया या उसका IF ख़राब हो गया तो आपको उसका इक्विवेलेंट IF ढूंढ कर उसके बाद ही उसको लगाना पड़ता था, तो उस टाइम ऐसा करके रिपेयरिंग होता था। ठीक है, तो ये सेट में मेन प्रॉब्लम था, ये जो डब्बा जैसा कैपेसिटर देख रहे हैं आप, ये कैपेसिटर ख़राब था पहले। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या हुआ, इसका स्पीकर कनेक्शन टालने के लिए, ये इसका स्पीकर कनेक्शन ये कैपेसिटर थ्रू होके इसके बाद ही ये स्पीकर में जाता है। तो क्या हुआ, ये स्पीकर कैपेसिटर अगर ड्राई हो जाएगा या कैपेसिटर का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तब
स्पीकर में आवाज़ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एकदम टोटली डेड हो जाएगा। तो पहले तो इसको, ये कैपेसिटर मैंने जब चेंज किया है, चेंज करने के बाद इसका तो ऑडियो आया, लेकिन इनसफिशिएंट जो ऑडियो होता है वही आया। बाद में मैंने इसको चेक किया, चेक करने के बाद देखिए इसमें और भी छोटा छोटा दो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। ये सब ट्रांजिस्टर बहुत ही नाजुक टाइप का हुआ है, अगर कोई जोर से कोई जगह में फ्लैशिंग हो जाए या लाइटिंग हो जाए तो ये ट्रांजिस्टर उड़ जाता था। और उस टाइम क्या होता था, उसका पूरा टोटल सेट ही डेड हो जाता था। तो उसको आपने फिर उसको ट्रांजिस्टर चेंज करके इसके बाद ही आप तो ट्रांजिस्टर चेंज करके इसके बाद ही वो सेट रिपेयर होता था। इसमें देखिए सेट है, सेट जितना बैंड का ही हो, दो बैंड हो, तीन बैंड हो, चार बैंड, पांच बैंड, जितना बैंड भी हो, लेकिन सेट का सबसे बड़ा चीज़ होता है उसका सेक्शन। अगर जितना बैंड ज़्यादा होगा उसका कॉयल उतना ज़्यादा होगा, ये छोड़िए ये आप तो बात का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो मेन थियोरी है, मेन जो चीज़ है वो आप अगर समझ जाएंगे तो जितना बैंड भी रेडियो हो ना कहना आप उसको समझ जाएंगे, बैंड बाई बैंड आप उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो इसका जो ऑडियो पार्ट इसके बाद रिपेयर हो गया, बन गया। इसके बाद इसमें क्या कहाँ में आएगा, इसका जो कॉयल पार्ट है, इसका कॉयल पार्ट मिडिल में है। तो ज़्यादातर रेडियो क्या होता है, जो ऑडियो सेक्शन का बाद ही आईएफ सेक्शन रहता है, इसके बाद कॉयल सेक्शन रहता है। लेकिन इसमें देखिए उन लोगों ने क्या किया है, इसका कॉयल पार्ट मिडिल में रखा है और इसका आईएफ पार्ट दूर में रखा है। तो इसमें दो ही आईएफ हैं, दो आईएफ से उन लोगों ने बनाया, अच्छा ही बसता है, अच्छा गेन है, और आईएफ का देने का ज़रूरत नहीं हुआ कि उसकी, यह बहुत हाई गेन सेट है, अच्छा बसता है, बहुत ही जोर बहुत ही हाई गेन से बसता है सेट, इसलिए सेट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही था। लेकिन इन लोगों ने इसलिए इसको और आईएफ इसका ज़्यादा नहीं दिया, तो अच्छा ही बसता है सेट। और 6 वोल्ट का सेट है, दो बैटरी करके चार बैटरी से 3 वोल्ट 3 वोल्ट 6 वोल्ट का। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जब इसका ये काम हो गया, होने का बाद मैंने कॉयल पार्ट को अभी छोड़ दिया, क्योंकि सेट अभी भी उस टाइम भी नहीं चालू नहीं हुआ। मैंने आया आईएफ पार्ट में, देखिए इसमें दो आईएफ है तो दो आईएफ। आपको पहले देखना पड़ेगा ये जो आईएफ का सामने देखिए एक डायोड है, कांच का डायोड है, वो A79 ऐसा कुछ नंबर होता था उस टाइम। आपको पहले देखना पड़ेगा इस जगह में ट्विजर से टच करके जी इसमें ऑडियो आता है कि नहीं। अगर इसमें ऑडियो आया है, यहाँ में साउंड करेगा गाँ गाँ करके, तब आप समझ लेना जो ये इसका ऑडियो पार्ट एंड प्री एम्पलीफायर जो होता है वो प्री एम्पलीफायर ऑडियो पार्ट इसका ठीक है। अभी इसका आप थ्रो करेंगे ये ऑडियो को आप आईएफ पार्ट में, तो आईएफ पार्ट में जाने के लिए क्या डायरेक्ट तो आईएफ में नहीं दे सकेंगे, इसलिए क्या करते हो ये आप हाफ ए रेक्टिफिकेशन करके ये डायोड थ्रो आप आईएफ में देंगे। तो जब इसमें ऑडियो आएगा तब आप सोच लेना जो ये आईएफ में इसका ऑसिलेशन आना चाहिए। तो इसको घुमा लीजिए, घुमा के इसके बाद ही आप देखेंगे जो इसका कहाँ में है, इसका ये यहाँ में ऑडियो आएगा तो यहाँ में इसको टच करके देखिए ऑडियो आता है कि नहीं। अगर ये फर्स्ट ऐप पे आपको ऑडियो आ गया तब सोच लीजिए ये आईएफ तो ठीक ही है। इसके बाद देखिए ये आईएफ का बाद में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है, ये देखिए दोनों ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। पहले आप ये
ट्रांजिस्टर को चेक करना पड़ेगा आपको, ये ट्रांजिस्टर ठीक है कि नहीं। तो ऐसा तो टेस्ट नहीं होगा, तो उसको खोल के अपना पड़ता है। तो आप पंप यूज़ कीजिए, ऐसा पंप, ये पंप से आपको उसको सेट ट्रांजिस्टर को खोलना पड़ेगा। इसके बाद वो खोल के माप के देख लीजिए, अगर ठीक है तो लगा दीजिए, नहीं तो उसका सेम ट्रांजिस्टर आपको लगाना पड़ेगा। बीएफ ग्रुप का ट्रांजिस्टर, BF195, BF194 ऐसा टाइप का ट्रांजिस्टर होगा, वो ट्रांजिस्टर आप लगा दीजिए। लगाने का बाद देखिएगा ये सेकंड ऐप में, ये बाद का ऐप में इसका ऑसिलेशन आ रहा है कि नहीं। देखिए बहुत आदमी ऐसा सोचता है जी, इसका वोल्टेज के बारे में कहाँ में क्या सेक्शन में क्या वोल्ट है, वो वोल्ट मल्टीमीटर से उसको वोल्टेज माप के देखता है, ये बाद में देखना, क्योंकि कुछ नॉर्मल प्रोसेस है। और नॉर्मल प्रोसेस से आप अगर आप इसको रिपेयरिंग का ट्राई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जब ये सब करने का बाद आपको नहीं होगा, उस टाइम ही आप मल्टीमीटर लेना और वोल्टेज चेक, वोल्टेज का बात आएगा कैसा करके वोल्टेज मापना पड़ेगा, कहाँ में क्या वोल्टेज है वो देखना पड़ेगा। ऐसे भी कोई कोई सेट में होता है कि उसका ऑडियो पार्ट में फुल ऑडियो आया, ऐप पार्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, बाद में दिखाई देता है जी उसका कोई फॉइल फटा हुआ है। मतलब जब मैंने वोल्टेज चेक किया है, वोल्टेज चेक करने के बाद देखता हूँ अरे इसका तो नेगेटिव वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। तो मैंने जब उसको पार्ट बाई पार्ट देखते देखते आया तो देखता हूँ उसका फॉइल फटा हुआ है, यही जो फॉइल ये सब ये फॉइल फटा कोई जगह में क्रैक हुआ है, क्रैक तो उसको आप लगा दीजिए, हो जाएगा, वो तो बाद में है। लेकिन अगर जब इसको ऑसिलेशन ही हमें आ जाएगा तब तो फॉइल फटने का कोई चांसेस नहीं है। इसके बाद ये ऐप में भी ठीक सेम टाइप का ऑडियो आना चाहिए। इसके बाद अगर आ गया, आने का बाद आप बैंसिस में क्लिक करके देखिए बैंसिस में कोई साउंड हो रहा है कि नहीं, क्रैक क्रैक करके साउंड होगा, तब आप सोच लेना जी इसका ऐप से बैंसिस में इसका कनेक्शन चला गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा जी इसका कॉयल पार्ट में कुछ जा रहा है कि नहीं, ये जो छोटा छोटा कॉयल लगा हुआ है, ये कॉयल को आप घुमा लीजिए, घुमा के इसका कॉयल को आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं कॉयल का, ये पॉइंट में आप टच करके देखना पड़ेगा ये कॉयल में कुछ साउंड आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें साउंड आएगा, दिखेगा घां घां करके साउंड आएगा, तो आप सोच लेना जी हाँ इसका कॉयल में जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है पहला वाला कॉयल में आया तो पहला वाला कॉयल ठीक है, सेकेंड वाला कॉयल में जब देखेंगे तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है सेकेंड वाला कॉयल में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो फर्स्ट वाला कॉयल ख़राब है। आप कॉयल को खोल के माप लीजिए मल्टीमीटर से, उसका पोलारिटी ठीक है कि नहीं उसका, क्योंकि इसका अंदर में जो उसका जो वायर होता है वो बहुत ही पतला होता है, तो कोई कोई टाइम ज़्यादा हीट पड़ने से भी कॉयल ख़राब हो जाएगा। कोई कोई आदमी इसको रीसोल्डरिंग करता है, रीसोल्डरिंग करना नहीं चाहिए क्योंकि रीसोल्डरिंग का टाइम भी बहुत सेट ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद यह हो गया, कॉयल दे गया, लेकिन जब कॉयल ये सब पार्ट मेरे बनाने का बाद जब कॉयल में भी करने आ गया, तो कॉयल का पास में देखिए एक ट्रांजिस्टर है जी, ये भी बीएफ ग्रुप का ट्रांजिस्टर है, BF195, इसका ये ट्रांजिस्टर ख़राब था, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही टाइम लगता है, अगर आपको मैं सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा, इसको खोल के दिखाऊंगा तो वो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये सब नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपको ऐसा करके ट्राई करना चाहिए, जो अगर आपको काम में इंटरेस्ट है, आप काम करना चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन अगर जब क्रिटिकल फॉल्ट हो जाएगा तो उस टाइम तो आप कोई अच्छा मैकेनिक का देना ही अच्छा होगा, आप ट्राई मत कीजिए, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर जब मैंने लगाया, लगाने का बाद देखा जी सेट चालू हो गया। तो ये सेट में अभी भी थोड़ा फॉल्ट है, इसमें एक छोटा सा लूज कनेक्शन है शायद, तो ये मैंने अभी तक नहीं ये किया है देखा है।
लूज़ कनेक्शन ये भी हो सकता है, इसका कोई फॉयल जो है ये फॉयल में भी कनेक्ट ठीक से नहीं जा रहा है, नहीं तो इसका बेंड्स इसका अंदर में जो कनेक्शन होता है जो कनेक्टिंग प्लेट है वो ठीक से नहीं लग रहा है, तो बेंड्स इसका आप अच्छा करके वॉश करके देने से वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये अभी तक नहीं किया है, वो बाद में मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल सेटिंग पहले वहाँ को करना पड़ेगा, करने का बाद ही मैं आपको आप लोगों को फुल बोल पाऊँगा जहाँ ठीक हो गया, लेकिन सेट अभी चालू हो गया। असल चीज़ है एक बार अगर सेट बच जाए तो आप सोच लीजिए ना ठीक है, बच गया है सेट अभी और उसको नहीं कुछ करना नहीं चाहिए, तो ठीक है। ओके फ्रेंड्स।